उड़द खरीदी में मनमानी के विरोध में किसानों ने किया स्टेट हाईवे पर जाम। दमोह जिले के बासा खरीदी केंद्र पर आज किसानों ने जमकर हंगामा किया और दमोह सागर स्टेट हाईवे को जाम कर दिया। किसानों का आरोप है कि बासा खरीदी केंद्र पर सर्वे द्वारा मनमानी की जा रही है और बारदाने की बेहद कमी है, इससे किसानों की उड़द नहीं खरीदी जाती, उन्हें परेशान किया जाता है। बस क्या था, किसानों ने हंगामा खड़ा कर दिया और स्टेट हाईवे को जाम कर दिया। घटना की खबर लगते ही दमोह से पुलिस बल बड़ी तादाद में बांसा खरीदी केंद्र पहुंचा। वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और किसानों को मनाने की कोशिश शुरू की गई। घंटों की मशक्कत के बाद जाम को खुलवाया गया। प्रशासन की माने तो यहां के जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और सुचारू रूप से उड़द खरीदी की जाएगी। आप जो भीतर हैं अब इन हम लोगों ने क्या किया, जैसे ये मालूम पड़ा ना तो सबसे पहले हमने SDM से संपर्क किया। अपन यहाँ आके बात करें, सिद्धार्थ भज्जा ने खुद मुख्य समस्या है बारदाने की और सर्वे नहीं होने की, तो बारदाना रवाना हो चुका है, सर्वेयर को बुलवाने का प्रयास कर रहे हैं कि सर्वेयर आ जाए जल्दी, जिससे किसानों का माल की तुलाई आराम हो सके। आपके द्वारा यहाँ क्या कार्रवाई की गई? बारदाना बुलवा के किसानों को उपलब्ध करा रहे हैं और सर्वेयर को यहाँ बुलाया जा रहा है जिससे किसानों का माल पास कर सके वो और खरीदी आरम्भ हो सके। सर कुछ माल जब्त भी किया? माल जिसकी क्वालिटी ठीक नहीं है वो माल तहसीलदार के द्वारा जांच में लिया गया है और वो जो हमारे उपार्जन केंद्र के जो सरकारी बोरे हैं उनमें भरा हुआ है, तो ये कहा गया कि ये माल अमानक स्तर का है। अभी किसान से भी बात हो रही थी, आप भी लोग भी थे, तो उसने कहा है कि साहब मैंने अपना माल इन बोरदारों में भर दिया है पर ये बिक्रे के लिए नहीं है, मैं इसको साफ करा के पेश करूँगा। अभी इतनी बात सामने आई है, यदि हमारे सेल्समैन के द्वारा हमारे समिति प्रबंधक के द्वारा ये माल खरीदा गया होता तो ये बारदाना सिल गया होता और पर्ची उसके पास होती, तो ऐसी स्थिति अभी नहीं है। जो भी माल बोरों में भरा हुआ है, ये हमारा गिरफ्तार है तो उसको ले लिया जाएगा। दमोह से ग्राउंड रिपोर्टर विवेक सेन की रिपोर्ट।